मकर संक्रांति का पर्व आते ही मध्य प्रदेश में भी पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। बाजारों में पतंग और माझी की दुकान भी सज गई है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में चाइना का माझा भी बिक रहा है। ऐसे में पशु पक्षियों के लिए और वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। अब जिला प्रशासन की ओर से चाइनीज माझी को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। यदि कोई भी दुकानदार चाइना माझे की बिक्री करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में चाइनीज माझे की चपेट में आने से एक उल्लू के पर कट गए, जिससे वह घायल हो गया है। वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, धारा 144 भी लागू की गई है। तहसीलदार और राजस्व के अधिकारियों को दुकानों पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए हैं, ताकि आदेश का पालन दुकानदार भी कर सकें। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हमने सेक्शन 144 जारी किया है और चाइना मांझा पे प्रतिबंध लगाया है। हमारे तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर्स दुकानों में जाकर इंश्योर भी करेंगे कि इस आदेश का पालन हो।